अमर शहीद हेमू कलानी शताब्दी समारोह में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय कमला जी कलानी और हेमू कलानी जी का परिवार, विशेष रूप से इंदौर से पधारे हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शंकर लालवानी जी, श्री मोहन मगनानी जी, रवि टेकचंदानी जी, महेश सुखरमानी जी, राजेश गेहानी जी, सुरेश मलकानी जी, बंसी वाधवा जी, हमें निमंत्रित करने वाले हमारे लद्धाराम जी नागवानी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी के लिए आज का जो क्षण है, ये अमर शहीद हेमू कलानी जी को याद करने का क्षण है और उनसे प्रेरणा पाने का क्षण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त से हम सबको जो पंच प्रण दिए हैं, उन पंच प्रणों में जहाँ एक और हमें अपने इतिहास को याद रखना है, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को याद रखना है, वही गुलामी की सारी बीड़ियों को हमें तोड़ना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि गुलामी की बीड़ियों को तोड़ने के लिए हमें जो प्रेरणा चाहिए वो अमर शहीद हेमू कलानी जी के चरित्र से हमको मिलती है। हेमू कलानी जी को सिंध के भगत सिंह के रूप में जाना जाता है और उनका चरित्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक होनहार छात्र जिन्हें कुश्ती लड़ने की महारत हासिल है, बहुत अच्छे तैराक है और एक बड़ी दोस्तों की टोली के साथ हमेशा नेतृत्व का गुण उनमें दिखता है और बिल्कुल बचपन से ही, चूंकि चाचा जी भी कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो इस आंदोलन से वो जुड़े और बिल्कुल छोटी उम्र में तिरंगा लेकर उस समय जहां अंग्रेज रहते थे उस बस्ती में चले जाते थे और विशेष रूप से जब आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, संपूर्ण स्वराज का नारा दिया, ऐसे समय पूरे देश के युवाओं में अपने देश के प्रति, अपनी आजादी के प्रति एक ऐसी भावना तैयार हुई कि वे सचमुच करने को या मरने को आमदा हो गए। और ऐसे तरुणों में हेमू कलानी जी भी, हेमू कलानी जी ये मानते थे, चूंकि युवा थे, 18-19 साल की उम्र थी, ये मानते थे कि गांधी जी का आंदोलन तो अच्छा ही है लेकिन साथ साथ जब तक अंग्रेजों को जड़ से नहीं हिलाएंगे तब तक अंग्रेज हिलेंगे नहीं। इसलिए उनके मन में एक क्रांतिकारी बसता था और उस क्रांतिकारी ने उस समय उनको प्रेरित किया। सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस का यूनियन जैक निकालकर वहां तिरंगा लगाने का काम उन्होंने किया और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को
झंझोड़ने के लिए पुलिस स्टेशन पे में बॉम्ब रखने की बात हो या अलग अलग सरकारी महकमे जो थे उनको तहस नहस करने की बात हो, ये सारी चीजें अपने दोस्तों को लेकर एक टोली उन्होंने तैयार की, उसकी अगुवाई वो स्वयं करते थे और उसके माध्यम से उन्होंने उसको करने का प्रयास किया। और हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय ये पता चला कि अंग्रेजों की आर्म्स एंड अम्यूनिशन की ट्रेन ये जाने वाली है, उन्होंने प्लान बनाया इसको लूटने का, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो सारे शस्त्र है, अस्त्र है, अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे, ये गोलियां भारतीयों के ही सीने में दागी जाएगी। इसलिए उसका प्लान उन्होंने तैयार किया और जिस समय प्लान के मुताबिक रेलवे की पटरियों को ढीला करने का काम कर रहे थे ताकि ट्रेन डीरेल हो जाए और सारा ये जो असला है, जो शस्त्र अस्त्र है, इसको वे लूट कर ले जाए और अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करे, ऐसे समय वहां पर रेड हुई, अंग्रेजों को पता चला, पुलिस पहुंची, सारे साथी निकल गए, लेकिन हेमू कलानी जी वहां से नहीं निकले, वे पकड़े गए। और इतनी हिम्मत उनमें थी कि कई दिनों तक उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन अपने एक भी साथी का नाम उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा यह सारा मैंने किया है। और उस समय पहले तो उनके ऊपर जब यह सारी कानूनी कार्रवाई हुई तो 10 साल की सजा हुई, लेकिन जब वो अंग्रेजी अफसर के पास वो सारी चीजें गई तो उसने कहा कि ये युवा लड़का इतना खतरनाक है कि ये अगर जिंदा रहा तो आजादी के इतने दीवाने तैयार करेगा और अंग्रेजी हुकूमत को ये पूरे तरीके से तहस नहस करेगा। इसलिए उन्होंने अपने ही स्तर पर उनकी 10 साल की सजा बदल कर उसको फांसी में तब्दील कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि उस समय उनको फांसी की सजा देने के बाद पूरे सिंध में और उस समय के अखंड भारत में लोगों में गुस्सा फूटा, युवा रास्ते पर आए, अंग्रेज भी थोड़े हिल गए और अंग्रेजों ने संदेशा भेजना शुरू किया कि अगर ये माफी मांग लेते हैं तो शायद वापिस ये जो फांसी की सजा है इसको हम 10 साल की सजा में बदल सकते हैं। उनकी माँ के माध्यम से भी ये संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो कभी माफी मांगूंगा ही नहीं, उल्टा मैं तो चाहता हूं जल्दी मुझे ये फांसी मिल जाए ताकि दोबारा पैदा हो और जो काम नहीं कर पाया उस काम को मैं पूरा करूं। और जिस समय उनको फांसी हुई और पूछा गया कि अब अंतिम इच्छा क्या है ये बताइए, तो उन्होंने कहा फांसी के तख्ते पर जाते हुए मैं नारे लगाऊंगा, मुझे नारे लगाने से कोई न रोके, और जब मैं नारे लगाऊंगा उस समय जो लोग मेरे साथ खड़े हैं वो भी नारे लगाए और बिना डरे अपने घर वालों से मिले, उनको भी उन्होंने कहा, अपने भाई को भी कहा मेरा काम पूरा करो, और निडरता के साथ वे फांसी के तख्ते पर जब चढ़े तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए ऐसा कहते हैं कि इस युवा ने वो जो जल्लाद आया था उसको कहा अरे भाई तू क्यों डालता है, मैं अपने गले में फांसी का फंदा डाल लेता हूं। ये जो जज्बा था, ये जो ताकत थी, ये जो हिम्मत थी, और ऐसा मानते हैं कि इस बलिदान के बाद जिस प्रकार से युवाओं में और देशवासियों में एक गुस्सा फूटा,
उस गुस्से के कारण अंग्रेजों को बैकफुट पर जाना पड़ा और इस प्रकार की कई घटनाओं के कारण अंग्रेजों के ध्यान में आया कि इस देश को गुलामी में नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में जिन लोगों को मील के पत्थर के रूप में देखा जा सकता है उनमें से एक अमर शहीद हेमू कलानी थे। और भाई साहब ने बात सही कही कि हम लोग कई बार अपने इतिहास को पढ़ते नहीं है। मैं तो आज आपको आश्वस्त करता हूं कि हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में हमारे बच्चों को शहीद हेमू कलानी का इतिहास पढ़ाया जाए। और ऐसा कहते हैं कि जिनको अपना इतिहास पता नहीं होता उनको वर्तमान तो होता है लेकिन उनको भविष्य नहीं होता। और हमारा दुर्दैव ऐसा है, पहले हमारा इतिहास अंग्रेजों ने लिखा और उसके बाद हमारे यहां पर जो नए अंग्रेज भारतीय अंग्रेज पैदा हुए लेफ्टिस्ट माइंडसेट के, उन्होंने बचा हुआ इतिहास लिखा। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, मुगलों की पुश्तें तो हमने पढ़ ली लेकिन हमारे जो रियल हीरोज हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ पाए। पर आप परिस्थितियां बदल रही है और कई लोगों को लगता है कि भारत का इतिहास तो ये मुगलों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ, लेकिन अब दुनिया भी इस बात को मानती है कि केवल भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सभ्यता ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। दुनिया में इससे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन कोई नहीं है। जिसको दुनिया की पुरानी सभ्यताएं हम कहते हैं वो 3,000-3,500 साल पुरानी है, लेकिन अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमको मिलते हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन इट्स फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म, आज जैसे नगर है ऐसी नागरी इकाइयों के साथ इन इट्स फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ये कम से कम 8,000-10,000 साल पुरानी है। और ये समाप्त नहीं हो पाई, समाप्त करने के प्रयास बहुत हुए लेकिन ये समाप्त नहीं हो पाई। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों को ये ध्यान में लेना होगा कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये दुनिया की सबसे पुरानी है और इसमें कुछ तो खास है कि इसको कोई मिटा नहीं पाया। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 21वीं शताब्दी भारत की होगी और उस ओर जब हम अग्रसर होते हैं तो इसका एक ही कारण है कि हमको मिटाने के प्रयास कई हुए, हमको कोई मिटा नहीं पाया। और अब दुनिया भी ये मानती है कि दुनिया के लिए विचार देने की ताकत और शक्ति केवल और केवल भारत में है। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार अमर शहीद हेमू कलानी जी को वंदन करता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों से जब वे प्रधानमंत्री थे हमारे संसद में भी अमर शहीद हेमू कलानी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के सपूत को हमें याद रखना ही होगा, 100 साल, 200 साल, 300 साल, जितने साल चले जाए, क्योंकि उनकी शहादत से ही आज हम लोग स्वतंत्रता का अनुभव ले रहे हैं, हम लोग आज चैन की सांस ले रहे हैं। तो उनको भूल जाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं फिर एक बार हमारे सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में यहां मुझे निमंत्रित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे।
वन डे। धन्यवाद।